हाय दोस्तों, तो चलो आज हम फील करते हैं कि एक सैनिक होना क्या होता है। किसी भी शख्स के लिए उसकी फैमिली सबसे खास होती है, और एक सोल्जर के लिए भी वो उतनी ही खास होती है। पर देश की खातिर वो अपनी फैमिली को पीछे रखता है। वो घर की कई जिम्मेदारियां नहीं निभा पाता क्योंकि देश की जिम्मेदारियां निभा रहा होता है। तो चलिए जुड़ जाइए एक सैनिक के साथ जिसके सीने में गोली लगी है और उसे नहीं पता कि वो बचेगा या नहीं। अपने आखिरी लम्हों में वो सैनिक अपनी आवाम से क्या कहता है, उसी आवाम से जिसके लिए उसने गोली खाई है। अगर सरहद पर मैं मर जाऊं, अगर सरहद पर मैं मर जाऊं, तो तुम सब मेरा एक काम करना, मेरे घर वालों को मेरी तरफ से एक तार लिखना। पापा से मेरे कहना तुम, पापा से मेरे कहना तुम कि वो सबका ख्याल रखें, और सबसे मेरा मतलब कि अपना भी ख्याल रखें। माँ से कहना कि उनका राजा बेटा सच में लाखों में एक था। माँ से कहना कि उनका राजा बेटा सच में लाखों में एक था। दुश्मन कई थे वहाँ पर माँ, पर मैं अकेला ही वहाँ अनेक था। छोटे को कहना कि वो अच्छे से पढ़े, छोटे को कहना कि वो अच्छे से पढ़े, जिम्मेदारियाँ हैं अपनी जगह, पर शैतानियाँ वैसे ही करता रहे। बहन से कहना कि मुझे माफ़ कर दे, बहन से कहना कि मुझे माफ़ कर दे, जो अपना वादा फिर से मैं निभा नहीं पाया। अब हालात ही कुछ ऐसे थे वहाँ, किस राखी भी मैं आ नहीं पाया। कहना मेरे प्यार से, कहना मेरे प्यार से कि वो अफसोस ना करे, हम सैनिक हैं, जीते ही इसलिए हैं ताकि मर सकें।